नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुपम मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एवीपी लाइव। आज आईपीएल 2023 का पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाने वाला है, जहां पे दो मजबूत टीमें, एक जो कि टेबल टॉपर्स रही है, वहीं दूसरी टीम जो दूसरे स्थान पे इस आईपीएल सीजन में अपने आप को फिनिश कराया है, यानी गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड यानी चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों की बात करें तो देखिए, दोनों टीमों ने पूरे आईपीएल सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, अच्छे लय में दिखाई दिए हैं, और दोनों टीमों में कोई भी एक टीम ये नहीं कि सिर्फ अपने बल्लेबाजों पे या गेंदबाजों पे डिपेंड है, नहीं, हर डिपार्टमेंट में दोनों टीमों के सारे खिलाड़ियों ने अपने रोल को बखूबी निभाया है और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। फिलहाल और एनालिसिस के लिए आप हमारी चैनल पे और वीडियोस देख सकते हैं, जहां पे हमने इन डेप्थ बात करी है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे फैंटेसी 11 पिक्स की। अगर आप अपनी फैंटेसी 11 में टीम बना रहे हैं, इस इंपॉर्टेंट मुकाबले से पहले अपनी टीम बना रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेन्नई की टीम से, जहां पे आपको बल्लेबाज, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स की लिस्ट दिख जाएगी। शुरुआत करते हैं बल्लेबाजी से, जहां पे महेंद्र सिंह धोनी, डेविन कॉनवॉय, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, शुभ्रांशु सेनापति, शाइक रसीद और अजिंक्य रहाणे हैं। देखिए, यहां पे मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को आपको अपनी टीम में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि देखिए विकेट कीपर भी हैं, अगर एक दो कैच जाते हैं इनके पास, स्टंपिंग करते हैं, जो कि हमें पता है इनसे लाजवाब कोई करता नहीं है, अभी भी पूरे विश्व क्रिकेट की आप बात कर लें तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जरूर देके जा सकते हैं। उसके बाद डेविन कॉनवॉय और ऋतुराज गायकवाड़ आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। आप ऋतुराज गायकवाड़ की चेपॉक स्टेडियम पर रिकॉर्ड्स की बात करें तो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करा है, और अगर गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आप बात करें तो इन्होंने 92-57 और लगभग 60-70 रन की पारी खेली थी। अगर आप इनकी पिछली तीन पारियों को देखें तो मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को गुजरात टाइटन्स की टीम बखूबी पसंद आती है, तो इनको भी अपनी टीम में रखना ना भूलें। साथ के साथ डेविन कॉनवॉय हमें पता है किस टच में खेल रहे हैं, तो ये तीन बल्लेबाज यहाँ पे आपकी टीम में बिल्कुल होने चाहिए। आज के मुकाबले में अजिंक्य रहाणे भी परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं, इनकी बल्लेबाजी की जरूरत पड़ेगी तो आप इनको भी टीम में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको रखेंगे तो आपको शिवम दुबे को अपनी टीम से बाहर करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास दूसरी टीम में भी एक से एक धाकड़ बल्लेबाज हैं और आपके पास ऑलराउंडर्स की जगह फिर कम पड़ जाएगी। तो अजिंक्य रहाणे और ऑलराउंडर्स में से शिवम दुबे आप किसी एक विकल्प को अपनी टीम में रख सकते हैं। इसके साथ अगर ऑलराउंडर्स में बात करें तो दो और बड़े नाम हैं, रविंद्र जडेजा और मोइन अली। एक नाम बेन स्टोक्स आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिलहाल अभी चेन्नई की टीम का साथ छोड़ के इंग्लैंड जा चुके हैं, वहां पे एशेज भी शुरू होने वाली है। आपको बता दें तो यहां पे रविंद्र जडेजा और मोइन अली, मुझे लगता है रविंद्र जडेजा आपके लिए काफी किफायती साबित होंगे और बेहतरीन पॉइंट्स देके जा सकते हैं चेपॉक के मैदान पे। थ्री डायमेंशनल प्लेयर हैं, फील्डिंग लाजवाब करते हैं, क्रूशियल पॉइंट्स पे इनको फील्डिंग लगाई जाती है और अच्छे फील्डर भी माने जाते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। दिल्ली के खिलाफ जो मुकाबला था वहां पे थोड़े महंगे साबित हो गए थे, लेकिन बड़ा खिलाड़ी है तो अपने आप को कमबैक कराना अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ बल्लेबाजी भी रविंद्र जडेजा ऊपर करने आते हैं, अब देखने वाली बात होगी कि महेंद्र सिंह धोनी आज किसको बल्लेबाजी ऑर्डर में प्रमोट करते हैं। साथ साथ गेंदबाजी की बात करें तो वहाँ पे राजवर्धन हांगरेकर हैं, मयूर शिक्षणा, प्रशांत सोलंकी, दीपक चहर, सिमरजीत सिंह, मतीशा पथिराना और तुषार देशपांडे। देखिए अभी तक जितनी परफॉर्मेंस, अब 14-14 टीमें मैच खेल के आई हैं, आपने बहुत बड़ी फैंटेसी 11 बनाई होगी। आपको एक नाम जो हमेशा अच्छा पॉइंट्स देके जा रहा होगा वो होगा मतीशा पथिराना का, तो मतीशा पथिराना को अपनी टीम में रखना ना भूलें। देखिए अगर यहाँ पे चेन्नई पहले बल्लेबाजी करती है तो शायद आपको टीम में ना दिखे, जब गेंदबाजी करने उतरेगी तो वहाँ एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, एज ए सब इम्पैक्ट प्लेयर आपको टीम में दिखाई देंगे, तो इसलिए मुझे लगता है मतीशा पथिराना अगर आपको शुरुआती प्लेइंग 11 में नहीं दिखाते, अगर चेन्नई बल्लेबाजी कर रही है तो परेशान ना हो, लेकिन आप उन्हें अपनी टीम में जरूर रखिएगा। साथ के साथ चेन्नई को होम ग्राउंड माना जाता है, दीपक चहर का रिकॉर्ड वहाँ पे काफी लाजवाब है, थोड़ी सी सीम कंडीशंस होती हैं, शुरुआत में सीम के साथ बॉल मूव करती है, तो मुझे लगता है दीपक चहर वहाँ पे आपके लिए बेहतरीन पिक होंगे क्योंकि शुरुआती झटके अगर गुजरात टीम को चेन्नई यहाँ देने में कामयाब होती है तो मुकाबला कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाता दिखेगा जरूर, क्योंकि शुरुआत में वहाँ पर रिद्धिमान सहा और गुजरात के रिद्धिमान सहा और शुभमन गिल दोनों का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जहाँ पे डेविन कॉनवॉय, ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी आपके लिए बल्लेबाज होंगे, अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे में से आप किसी एक को ले सकते हैं, रविंद्र जडेजा आपके लिए बेहतरीन पिक होंगे। साथ के साथ गेंदबाजी में दीपक चहर और मतीशा पथिराना के नाम पे बिल्कुल शक आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है तुषार देशपांडे आप आज वो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देंगे, हालांकि इनकी इकॉनमी काफ़ी महंगी रही है, तो आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं, लेकिन मतीशा पथिराना की जगह नहीं, दीपक चहर की जगह। अब इसके बाद हम देखते हैं गुजरात टाइटंस की टीम। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं गुजरात टाइटंस की टीम, जहां पे बल्लेबाजी की बात करें तो देखिए बड़े बड़े नाम हैं, शुभमन गिल हैं, डेविड मिलर हैं, रिद्धिमान सहा, मैथ्यू वेड, अभिनव सदरंगानी। मैथ्यू वेड को देखिए, मैं इस आईपीएल सीजन में एक भी मैच उन्हें नहीं खिलाया गया, मैं ये देख के काफी हैरान हूं, लेकिन यहां से जो दो नाम आपको बहुत मदद करेंगे वो होंगे शुभमन गिल के और रिद्धिमान सहा के। बेहतरीन टच में दिखाई दे रहे हैं, बैक टू बैक सेंचुरीज लगा के शुभमन गिल आ रहे हैं, तो आप इस परफॉर्मेंस को मिस करना बिल्कुल
बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो शुभमन गिल को आप अपनी टीम में बिल्कुल रखेगा अगर आपको लगता है कि रिधिमन साहा, लेकिन देखिए ओपनर्स आपके पास बहुत है, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवेंस, रिधिमन साहा की परफॉर्मेंस की कंपैरिजन नहीं हो सकती, वो दोनों कंसिस्टेंट हैं। रिधिमन साहा ने भी स्कोर अच्छे करे हैं इस आईपीएल सीजन में, लेकिन अगर आप ऑन कंपैरिजन, ऑन रिकॉर्ड्स, ऑन पेपर की बात करें इस आईपीएल सीजन की, तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवेंस ज्यादा बेहतरीन पिक आपके लिए हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है रिधिमन साहा को आपको रखना है टीम में, तो आप वहां से एक बल्लेबाज को माइनस करके आप रिधिमन साहा और शुभमन गिल के साथ जा सकते हैं। वहीं ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया, डोमिनिक ड्रेक्स, विजय शंकर, जयंत यादव, दर्शन नालकंदे, बी साई सुदर्शन, गुरकीरत सिंह और प्रदीप सांगवान है। लेकिन पिछले मुकाबले में यहाँ पे आप नाम नहीं देख रहे होंगे क्योंकि वो बाद में ऐड हुए थे, दसुन शनाका को भी टीम में जगह मिली थी। श्रीलंकाई कप्तान है, लगातार T20 फॉर्मेट्स खेलते हैं, दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं T20 के, तो वो भी टीम में एज अ ऑलराउंडर शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है हार्दिक पांड्या आपके लिए बेस्ट पिक होंगे, साथ के साथ अगर आपको राहुल तेवतिया की बल्लेबाजी पर यकीन है और लगता है कि आज उनकी जरूरत पड़ने वाली है बल्लेबाजी में, क्योंकि गेंदबाजी में देखिए गुजरात की टीम उनसे ज़्यादा इस्तेमाल करा रही नहीं है, तो यहाँ पर एज अ बल्लेबाज आप इनको भी रख सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में रखना आप बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगता है विजय शंकर बल्लेबाजी में डेविड मिलर से फिर प्रमोट करके आएंगे, क्योंकि देखिए लगातार स्कोर तो नहीं करा है लेकिन परफॉर्मेंस निकल के आई है विजय शंकर के बल्ले से, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन एक दो मैच के अंतराल पे स्कोर करते रह रहे हैं, तो अगर लगता है विजय शंकर तो आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं। बी साई सुदर्शन एक ऐसा नाम, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बेहतरीन अपने आप को प्रूव करा है, जब जब गुजरात की टीम ने इन्हें मौका दिया है तब तक इन्होंने स्कोर करा है। दसुन शनाका अगर आज टीम में नहीं खेलते तो मुझे लगता है बी साई सुदर्शन को टीम में जगह मिलेगी, और अगर इस बल्लेबाज को जगह मिलती है तो आप उधर से शिवम दुबे को ड्रॉप इन करके इस बल्लेबाज को लेना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत युवा बल्लेबाज हैं और बल्लेबाजी भी शानदार लय में करते दिखाई दे रहे हैं। साथ के साथ गेंदबाजी की बात करें तो राशिद खान, मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूसन, नूर अहमद, आर साई किशोर, यश दयाल, अजारी जोसेफ और वरुण अरोन, मैं कहूंगा कि यश दयाल और अजारी जोसेफ हो सकता है इन दोनों में से कोई एक मुकाबला आज खेले, लेकिन इनको टीम में ना रखे आप, नूर अहमद और राशिद खान के साथ जाएगा, जिस हिसाब से इन्होंने पिछले मुकाबले में आरसीबी के बल्लेबाजों को परेशान करा था उस अगर परफॉर्मेंस को आप निकाल के देखें तो वहां से आपकी इन दोनों की टीम में आपके जगह जरूर बनती है। और नूर अहमद और राशिद खान चिपॉक के मैदान जो हाँ थोड़ी स्पिनर्स को मदद मिलती है सेकंड हाफ ऑफ द गेम में, फास्ट बॉलर्स को नहीं मिलेगी क्योंकि ड्यू वहां पे एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, ह्यूमिड सीजन है वहां पे, बहुत गर्मी पड़ रही है तो रात में ड्यू फैक्टर प्ले कर सकता है, लेकिन स्पिनर्स को जरूर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मदद मिलती है, ग्रिप होके आती है बॉल। तो राशिद खान और नूर अहमद आपके लिए बेस्ट पिक होंगे, लेकिन तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी को ना लेना भूलें, क्योंकि देखिए पर्पल कैप विनर है, कभी भी गेम पलट सकते हैं और लगातार ओपनिंग गेंदबाजी भी करते हैं गुजरात के लिए, डेथ ओवर में भी लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो यहां से आप शुभमन गिल, रिधिमन साहा, हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया और बी साई सुदर्शन में से किसी एक को, अगर दशुन सनाका को जगह नहीं मिलती है तो बी साई सुदर्शन आपको टीम में दिखेंगे, साथ के साथ राशिद खान, मोहम्मद शमी और नूर अहमद, ये रही आपके गुजरात की फैंटेसी 11 टीम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर आप भी अपनी फैंटेसी 11 टीम बना रहे हैं तो आप भी अपनी फैंटेसी 11 की टीम हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं।